बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने नालंदा दौरे के तीसरे दिन नालंदा के नीरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्रियों ने सीएम नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा, आज सूबे में डबल अभिनंदन का दिन है, क्योंकि आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का जन्मदिन है और दूसरी तरफ भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जा रहा है। इस ओपन यूनिवर्सिटी की कुल लागत 89 करोड़ है, जो अगले 15 अगस्त 2020 के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। 15 अगस्त 2020 तक इसका बिल्डिंग बना दीजिए, ताकि ये यहाँ शिफ्ट हो। एक्सपीरियंस है आपका, देखिए बढ़िया से देखिए, आठ और है। तो 15 अगस्त 2020 तक नालंदा खुला विश्वविद्यालय का भवन निर्मित हो जाएगा और यहीं से काम करने लगेंगे। कहिए, ऐसा नहीं है कि आप भवन बना दे तब भी आप वहीं से काम कीजिएगा। आपको बता दें कि चुनाव को करीब आता देख लोगों को लुभाने के लिए सत्ता में काबिज नीतीश सरकार लगातार लोगों को योजनाओं की सौगात दे रही है। अब देखना होगा कि जनता इस बार किसके सिर जात का ताज पहनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट।